दीपावली मैंने मनाई है पल्ला को नीचे। 13 नवंबर दीपावली का दूसरा दिन है और आप लोग सीधा केदारनाथ से दर्शन कर रहे हैं और व्यू देखिए चारों तरफ का स्नो है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। दीपावली मैंने मनाई है पल्ला को नीचे। इतने पटाखे लगाना यहाँ पे सही नहीं है, मगर रात के फेस के दर्शन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, वो देखिए पा जाऊंगा। ये देखिए चारों तरफ का व्यू, हल्के हल्के बादल फिर से आ रहे हैं, बर्फबारी कभी भी हो सकती है दोबारा। अभी हम लोगों ने ललिता महाराज के यहाँ भोजन किया और आपको बता दूं बहुत ही अच्छा भोजन है, वहाँ पे घर जैसा आपको भोजन मिलेगा। और आज 13 नवंबर है, दिवाली का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बर्फ जो हमने आपको दिखाई थी, दिन के वक्त का सुंदर नज़ारा बाबा केदारनाथ का देखिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और यहाँ पे जो गाय होती है ना बहुत ही सुंदर होती हैं, थोड़ी हाइट में कम जरूर होती है, मगर एक मतलब केदारनाथ में भी गायें देखने को मिलती है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू, सामने देखिए बादल आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बादल हैं यहाँ पे। और धीमे धीमे फिर से वेदर ख़राब हो रहा है बाबा केदारनाथ में। बस ये उम्मीद है कि बर्फबारी फिर से देखने को मिल जाएगी। ये जो बर्फ़ है ये फ्रेश स्नोफॉल है और वेदर जिस हिसाब से ख़राब हो रहा है उस हिसाब से उम्मीद है एक बार फिर से हम लोगों को डोली नीचे जाने से पहले बर्फबारी देखने को मिलेगी। भैया मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी। अब हम लोग बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, और जब आप स्टार्टिंग में पहुंचेंगे तो आपको बहुत बड़ा ओम भी देखने को मिलेगा और ओम से सीधा बाबा केदारनाथ के दर्शन होते हैं। ओम से थोड़ा आगे बढ़े, आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे निर्माण कार्य चारों तरफ चल रहा है। बहुत ज़्यादा कीचड़ भी है बर्फ की वजह से, और इन निर्माण कार्य की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। चारों तरफ देखिए तोड़फोड़ मचा रखी है, इतना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। देखिए कितना चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहा है। पर्व पे बाबा केदारनाथ के मंदिर को बहुत ही दिव्य तरह से सजाया गया है और चारों तरफ की जो वादियां हैं आप देख सकते हैं बर्फ से ढकी हुई हैं, और दोपहर के समय बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। लोगों को मंदिर के पीछे के दर्शन कराते हैं। ये दिव्य भीम शिला है जिसके आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। जब ऊपर से पानी आया था तो इसी ने मंदिर को बचाया था और आप लोग भी दर्शन करें भीमशिला। भीमशिला के बाद फिर और पीछे मंदिर का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं कि मंदिर के पीछे और क्या क्या है। आप मेरे पीछे आदि शंकराचार्य की मूर्ति देख रहे हैं। आपको बता दूं आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ की पुनर्स्थापना करी थी, और ये जो है केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पे है। आप देख सकते हैं सामने केदारनाथ के भी दर्शन हो रहे हैं। उसके बैक साइड जब आप आएंगे तो आपको आदि शंकराचार्य की दिव्य मूर्ति के भी दर्शन होंगे। दिवाली तो ख़त्म हो गई है मगर दिन में ये लोग पटाखे दगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इतने पटाखे दगाना यहाँ पे सही नहीं है, मगर कुछ लोग मानते नहीं हैं, दिन के समय पटाखे दगा रहे यार गलत है। नवंबर है और शाम होने वाली है। ये देखिए साक्षात भोलेनाथ के फेस के दर्शन हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, वो देखिए पहाड़ी पे हल्का हल्का फेस लग रहा है, जैसे लग रहा है भोलेनाथ का फेस है। और 13 नवंबर की शाम है, बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है। अब हम अपने टेंट की ओर जाएंगे, मगर आप लोगों को दिखा दें अगर आप पीछे मेरी वाली पहाड़ी पे देखेंगे हल्का हल्का भोलेनाथ का फेस उसमें आपको बनता हुआ दिखेगा, अगर आप मन की श्रद्धा से देखेंगे तो।